नमस्कार जोहार। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। एक थोड़ा सा अंतराल हो गया और इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया था। जैसे हमने ये जाना था कि वर्ण क्या है, शब्द क्या है, उसके बाद हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तक के बारे में जाना था, और आज हम लोग जानने वाले हैं क्रिया के बारे में। बारे में बहुत सी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, वही चीज़ें हैं, बस परीक्षा के उद्देश्य से इसमें कौन कौन सी चीज़ें परीक्षा में आती हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस तरह से परिभाषा भेद वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रश्न आए तो हमें उसका हल करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जब हम पेन का इसका जब हम क्रिया की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया की परिभाषा के बारे में कि क्रिया क्या है। इसके बाद हम जानेंगे क्रिया बनती है धातु से, तो वो धातु क्या होता है और ये कैसे व्याकरण में हम धातु से क्रिया बनाते हैं, तो इस धातु के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। ये जो पार्ट है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, अगर समय रहा तो हम इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया की, क्रिया कहते किसे हैं। तो जैसे सामान्य जो शब्द है इसका अर्थ ही बताता है, क्रिया यानी कि काम, जिससे काम करने या होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा भी यही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, खाना, पीना इत्यादि, हम जितने भी काम करते हैं वो सारी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। क्रिया विकारी शब्द है। अब पहले से आपको पता है कि विकारी शब्द का मतलब है कि इसमें परिवर्तन होगा, और अविकारी का मतलब है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो क्रिया विकारी शब्द है यानी कि इसमें परिवर्तन होगा, जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। तो विकारी शब्दों की यह प्रवृत्ति ही रहती है कि वह लिंग, पुरुष, वचन, कारक के अनुसार वो बदलते हैं। तो इसी तरह यह जो क्रिया है वह भी जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसका ये जो शब्द है वो बदलता भी है। यह हिंदी की अपनी विशेषता है, इसके बारे में हम लोग पहले चुके हैं। अब हम देखते हैं कि धातु क्या है। क्रिया आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, जैसे कि राम बाजार जाता है, इसमें क्रिया क्या होगा, जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि सीता बाजार जाती है तो इसमें क्रिया क्या है, जाती है। यहाँ पर जाना क्रिया है और हमने देखा कि यह बदल रहा है, यानी कि यह क्या हो गया, एक विकारी शब्द हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। तो अब हम लोग आते हैं धातु के ऊपर। धातु यानी कि वह मूल होता है क्रिया का, जिससे कि क्रिया बनती है। इसकी परिभाषा भी ऐसी है कि क्रिया का मूल धातु है। मूल जो है क्रिया का वह क्या है, धातु है। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, जो कि क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है, यानी कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम पढ़ना क्रिया को लेते हैं, तो इसमें यह जो है ना, यह क्या है, प्रत्यय है जो मूल धातु में लगा है। अब मूल धातु क्या बच गया, पढ़, तो यह क्या हो गया, पढ़ क्या हो गया, धातु हो गया, यानी कि यह धातु है और इसी से शब्द क्या बन रहा है, पढ़ना बन रहा है। इसी प्रकार पढ़ना क्रिया की धातु, यहाँ पे हमने देखा कि पढ़ना क्रिया की धातु पढ़ है। इसी तरह अगर खाना धातु है तो उसमें खाना है तो इसमें क्या होगा, ना प्रत्यय हो जाएगा और मूल धातु क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। इसी तरह हम किसी भी अगर क्रिया को लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसके मूल में एक शब्द है और वह जो शब्द है वही धातु कहलाता है, उसमें प्रत्यय लगाकर हम क्रियाएं बनाते हैं और वो मूल एक ही रहेगा और उसमें प्रत्यय लगाकर हम अलग अलग तरह की क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे पढ़ है, पढ़ से एक क्रिया बनी पढ़ना, एक हम बना सकते हैं पढ़ाना, एक हम बना सकते हैं पढ़वाना, इस तरह से अनेक क्रियाएं हम उससे बना सकते हैं। जैसे जाना तो जाता, जाती, है ना, तो इस तरह हम कई क्रियाएं जो हैं वह एक धातु से बना सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे धातु के भेद, कितने प्रकार के धातु होते हैं। तो मूल रूप से धातु जो है वो दो प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो धातु मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होगा, एक तो हो गया मूल धातु और दूसरा हो गया यौगिक।
तो धातु के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मूल धातु और दूसरा हो गया यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है। मूल धातु स्वतंत्र होती है, इससे हमें याद रखना होगा कि मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती, जैसे खा देख पी इत्यादि। और यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, जैसे खाना से खिला, पढ़ना से पढ़ा आदि। तो मूल धातु है वह स्वतंत्र होती है, वह किसी और शब्दों की उसको जरूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ कहते हैं खा, तब भी स्पष्ट है कि खाने के लिए कहा जा रहा है, देख यानी देखने के लिए कहा जा रहा है ना। लेकिन अगर हम यौगिक धातु की बात करें, तो जैसे हम लेते हैं खाना, है, अब इससे हम क्या बना सकते हैं? खिला। पढ़ना से बना सकते हैं पढ़ा। तो यह कौन सी धातु हो गई? यौगिक धातु। तो इस तरह धातु जो है वो दो तरह के होते हैं, किस दृष्टि से? तो व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से। आगे हम देखते हैं कि धातु के भेद कितने होते हैं। तो वैसे धातु के अनेक भेद हैं और उतने सारे भेदों को हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि ये सारे इस तरह के प्रश्न अधिकतर नहीं ही पूछे जाते हैं। तो धातुएं अनंत हैं, कुछ एकाक्षरी, कुछ दो अक्षरी, कुछ तीन अक्षरी, कुछ चार अक्षरी धातु होती हैं। अब यह एकाक्षरी दो अक्षरी, इसको आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए खा एकाक्षरी हो गया, खाना दो अक्षरी हो गया। इस तरह से अक्षरों को गिन करके एक प्रकार बनाया गया। यौगिक धातु की रचना, यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है। अगर हम यौगिक धातु की रचना की बात करें, तो यह तीन प्रकार से बनती है। कौन कौन सा है? तो पहला है धातु में प्रत्यय लगाने से। जब हम धातु में प्रत्यय लगाते हैं, तो क्रिया अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनती हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो गया कि क्रिया में प्रत्यय लगाने से। दूसरा क्या है? कई धातुओं को संयुक्त करने से संयुक्त धातु बनती है। जैसे हमने दो धातुओं को संयुक्त कर दिया और उसके बाद एक संयुक्त धातु बनती है। और तीसरा है संज्ञा या विशेषण से नाम धातु बनती है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इनके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। यहाँ पे हमें कितनी बातें याद रखनी है? हमें ये ध्यान रखना है कि यौगिक धातु जो है वो तीन प्रकार से बनती है। ठीक है, किस किस प्रकार से बनती है? तो एक हो गया उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से, दूसरा हो गया कई धातुओं को संयुक्त करने से, और तीसरा हो गया संज्ञा या विशेषण से, जिसको हम कहते हैं नाम धातु। अब हम देखेंगे कि क्रिया के रचना के आधार पर, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे रचना के आधार पर, लगता है ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। इन दोनों में हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा क्या है। तो ये कर्म जो है ये दोनों में कॉमन है, कर्म जो है ये दोनों में एक जैसा है। अब हम फिर से देखते हैं कि सकर्मक यानी कि कर्म के साथ और अकर्मक यानी कि कर्म के बिना। तो बहुत सामान्य रूप से अगर हम समझना चाहें कि सकर्मक और अकर्मक क्या है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। हम आगे देखते हैं कि सकर्मक क्रिया होती क्या है। तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। यह आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म लाए। यदि क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती है, तो वह अकर्मक ही कहलाएगी। आते हैं कि सकर्मक यानी कि उसमें कर्म होना ही चाहिए। अगर वाक्य के साथ क्रिया नहीं है, तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। तो पहला तो ये हो गया कि कर्म का होना आवश्यक है। दूसरा क्या है कि क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े। अब देखिए कि जैसे हम कहते हैं कि मोहन बाजार जाता है, या हम कहते हैं कि मोहन सोता है। ठीक है, अगर कोई सो रहा है, तो सोने का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है, किसी और पर तो नहीं पड़ रहा है। अगर कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो क्या हो गया? क्रिया अकर्मक हो गई। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मोहन किताब पढ़ रहा है, यानी कि जो उसके पढ़ने का फल है, जो उसके क्रिया का फल है, वो किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर नहीं पड़ रहा, बल्कि किताब पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। तो वहाँ पे क्या हो गया? क्रिया सकर्मक
सकर्मक हो गई। तो यह एक एक सामान्य सा अंतर है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में, कि सकर्मक क्रिया में जो क्रिया होती है उसका फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, और अकर्मक क्रिया में जो क्रिया होती है उसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। अब हम यहाँ पर कुछ वाक्यों को देखेंगे और हम ये पता लगाएंगे कि क्या यह सकर्मक है या अकर्मक है। प्रवर अनु पढ़ता है, इसमें क्या है? इसमें कुछ कर्म है क्या? यह कर्म विहीन क्रिया है, तो यह क्या हो जाएगा, सकर्मक होगा या अकर्मक होगा? यह होगा अकर्मक। लेकिन एक और है इसमें कि अगर कर्म की संभावना होती है तो क्रिया सकर्मक भी होती है। यहाँ कर्म विहीन है लेकिन कर्म की संभावना है, तो यह सकर्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम कहीं पर देखते हैं कि कर्म की संभावना है तो भी क्रिया सकर्मक होती है। प्रवर अनु पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पे क्या है, पुस्तक है, पुस्तक क्या है, कर्म है, यह क्या है, कर्ता है, प्रवर अनु क्या है, कर्ता है, और पढ़ता है यह क्या है, क्रिया है। अब पहले हम इन चीज़ों की पहचान कर लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर कर्म है, कर्मयुक्त क्रिया है, तो यह क्या होगा, सकर्मक होगा या अकर्मक? तो यह हो जाएगा सकर्मक, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म की उपस्थिति होगी तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। अब यहाँ दोनों वाक्यों में पढ़ना क्रिया का प्रयोग हुआ है, परंतु प्रथम वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म ना लाने के कारण अकर्मक हुई, बल्कि जबकि द्वितीय वाक्य की वही क्रिया अपने साथ कर्म लाने के कारण सकर्मक हुई। तो ये दोनों में अंतर है। पढ़ता है क्रिया दोनों में एक जैसी है, पढ़ता है क्रिया यहाँ भी है, पढ़ता है क्रिया यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर कर्म है तो यह क्रिया सकर्मक हुई, और यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म विहीन है, तो यह क्रिया अकर्मक हुई। अकर्मक क्या क्या है, सकर्मक के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं अकर्मक क्रिया क्या है। तो जब हम सकर्मक की बात कर रहे थे तो उसके साथ साथ हम पूरी तरह से अकर्मक के बारे में भी बात कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों का एक डिफरेंस भी बता रहे थे, दोनों में एक अंतर भी बता रहे थे। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि अकर्मक क्रिया क्या है, जिसमें कर्म ना हो। दूसरा क्या है कि जिसमें कर्ता के क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े। ये दो चीज़ें हम जानते हैं। अब देखते हैं इसको परिभाषा में हम कैसे बांधेंगे। तो वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाए, अर्थात जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्ता पर ही पड़े, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उल्लू दिन भर सोता है, उल्लू की जगह कोई और भी हम ले सकते हैं उदाहरण, तो उल्लू दिन भर सोता है। अब इसमें क्या है कि सोना क्रिया है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो अकर्मक ही होती हैं, है ना, जैसे सोना, छींकना, खांसना, ये सारी क्रियाएं, खुजलाना, ये सारी क्रियाएं अकर्मक ही होती हैं ज़्यादातर। तो अब ये देखो, सोना सोता है यानी कि इसके सोने का जो फल है वो किस पर पड़ेगा, इसी पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, यानी कि यह क्या है, अकर्मक है। दूसरा है, यह अपने साथ जो क्रिया है सोना, वह अपने साथ कर्म तो ला नहीं रहा है, यानी कि यह क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। इस वाक्य में सोना क्रिया का व्यापार उल्लू जो करता है ही करता है, और वही सोता भी है, इसीलिए सोना क्रिया अकर्मक हो जाती है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर है कि कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों ही होती हैं। कैसे होती हैं? अब जैसे क्रिया मान लीजिए कि यहाँ पे खुजलाना क्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिया है वह क्या है, खुजलाना। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि खुजलाना क्रिया अकर्मक है या खुजलाना क्रिया सकर्मक है, बल्कि उसका जो व्यवहार होगा वाक्य में, जिस तरह से उसका प्रयोग होगा, उसके हिसाब से उस क्रिया को अकर्मक या सकर्मक हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सिर खुजलाता है, अब सिर खुजलाने का फल किस पर पड़ रहा है, उसी पर पड़ रहा है, कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो क्रिया अकर्मक है। लेकिन हम दूसरे उदाहरण में देखते हैं, वह अपना सिर खुजलाता है, वह अपना सिर खुजलाता है। इस वाक्य प्रयोग में क्या है कि खुजलाने की मतलब खुजलाना अपने साथ एक कर्म लेकर आ रहा है, और वह कर्म क्या है, सिर, यानी कि यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, सकर्मक हो गई। इसी तरह जी घबराता है, क्रिया अकर्मक है, लेकिन विपत्ति मुझे घबराती है, अब यहाँ पर एक कर्म आ गया विपत्ति, तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। बूंद बूंद से तालाब भरता है, यह क्रिया अकर्मक है, लेकिन उसने आंखें भर के कहा, क्रिया सकर्मक है, भरना क्रिया है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं
क्रिया अकर्मक थी, लेकिन यहाँ पर उसने आंखें भर के कहा, आंखें जो है वो कर्म है, तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक हो गई। इसी तरह गिलास भरा है, क्रिया अकर्मक है, यहाँ पे भरना क्रिया जो है वो क्या है, अकर्मक है, क्योंकि कर्म तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन जब हम कहते हैं हमने गिलास भरा है, तो क्रिया क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह, यहाँ पे हम कुछ बिंदुओं में देखेंगे कि किस तरह कोई क्रिया सकर्मक या अकर्मक होती है। ठीक है, यहाँ पे हम इसे दो पॉइंट में देखेंगे। पहला क्या है, जब कोई अकर्मक क्रिया अपने ही धातु से बना हुआ या उससे मिलता जुलता सजातीय कर्म चाहती है, तब वह सकर्मक कहलाती है। जैसे सिपाही रोज एक लंबी दौड़ दौड़ता है, दौड़ दौड़ता है, यानी कि क्या हो गया, यह सकर्मक हो गया। क्यों? क्योंकि यह अपने ही सजातीय धातु से बना हुआ कर्म इसके साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारतीय सेना अच्छा लड़ना जानती है या लड़ती है। लड़ाई लड़ना, यहाँ भी क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। ये तो हमने पहला पॉइंट देख लिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या है। यदि कर्म की विवक्षा ना रहे, यानी क्रिया का केवल कार्य ही प्रकट हो, तो सकर्मक क्रिया भी अकर्मक सी हो जाती है। अब यहाँ पे जैसे जैसे कोई कर्म जो है उस क्रिया का केवल कार्य ही प्रकट हो और वहाँ पे कर्म ना हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया भी अकर्मक हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ क्रियाएं ज़्यादातर अकर्मक ही होती हैं, इसी तरह कुछ क्रियाएं ज़्यादातर सकर्मक ही होती हैं। लेकिन कर्म की विवक्षा ही हो और कर्म ना हो, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, वह क्रिया अकर्मक हो जाएगी। जैसे ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और अंधा देखता है। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, सुनना और देखना ये दोनों क्रियाएं सकर्मक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कर्म हो नहीं रहा है, कर्म की केवल विवक्षा है, यानी कि केवल उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है, तो क्या होगा, यहाँ पे यह क्रिया अकर्मक हो जाएगी। अंधा देखता है, ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है, अंधा देखता है, तो इस दोनों में क्या है, सुनना और देखना ये दोनों क्रियाएं सकर्मक होते हुए भी यहाँ पर कोई कर्म उनके साथ नहीं है, इसीलिए क्रियाएं दोनों अकर्मक हो जाएंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे एक दो, इसमें हमें खास बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक में जितने नियम हमने अपने अब तक जाने, तो जो आधारभूत नियम है कि अगर कर्म का फल, क्रिया का फल अगर कर्ता पर ही पड़े तो क्रिया अकर्मक, और अगर कर्म पर पड़े तो क्रिया सकर्मक, ये एक दोनों में अंतर है। दूसरा हमें क्या याद रखना है कि प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं को हमें विशेष रूप से यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें जानने की ज़रूरत है प्रेरणार्थक क्रियाओं को। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्या होता है, तो जब हम कोई काम करते नहीं हैं लेकिन करवाते हैं, है ना, तो वो सारी क्रियाएं क्या होती हैं, प्रेरणार्थक होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कभी हम आपके सामने आए और आपको चाय पिलानी है, आपने पिलाई नहीं है, आपने बनाई नहीं है, लेकिन आपने बनवाया, तो बनवाना जो है वो क्या हो गया, वह प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। इसी तरह जैसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, उसने बच्चों को कहानी सुनाई नहीं, सुनवाई, यानी कि किसी और से सुनवाई, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। मोटे तौर पर हम ये जान सकते हैं कि जो क्रिया हम खुद नहीं करते पर हम किसी और से करवाते हैं, तो वो क्रियाएं प्रेरणार्थक होती हैं और वो क्रियाएं भी सकर्मक होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं हमेशा सकर्मक होती हैं, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। जैसे मान लीजिए धातु है हंस, धातु है हंस, तो इसमें पहली प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, हंसाना। दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, हंसवाना। इसी तरह सुन, तो पहली प्रेरणार्थक क्रिया सुनाना, दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया सुनवाना। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी एक खास नोट ही कह सकते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है,
कि पूर्ण गत्यात्मक क्रिया अकर्मक होती है, और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन अक्सर सकर्मक और अकर्मक में पूछे जाते हैं। एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है प्रश्न वो है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो पूर्ण गत्यात्मक क्रियाएं क्या होंगी, हमेशा अकर्मक होंगी, लेकिन हम ऐसे क्या सोचते हैं कि आकाश यहाँ पे कर्म हो गया और क्रिया सकर्मक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह गत्यात्मक क्रिया है, और जहाँ कहीं भी पूर्ण गत्यात्मक क्रिया होगी वो हमेशा अकर्मक होगी। तो पूर्ण गत्यात्मक क्रिया अकर्मक होती है, जैसे चलना, दौड़ना, उड़ना, ये सारी क्रियाएं हमेशा क्या होंगी, अकर्मक होंगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ उदाहरण हो और उसके ज़रिए हमें जानना हो कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो हम कैसे जानेंगे? कुछ उदाहरण है हमारे पास। जैसे यहाँ पर है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, यह क्रिया है। अब हमें जानना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। क्या होगा इसमें, सकर्मक होगा या अकर्मक होगा? दूसरा प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, अब यहाँ पहले प्रश्न पर आते हैं, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, क्या इसमें कोई कर्म है? नहीं है, तो यह क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी। अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, अब यह क्रिया सकर्मक होगी या अकर्मक होगी? चश्मा लगाता है, किस पर लगाता है, मूर्ति पर लगाता है, यानी कि मूर्ति क्या है, कर्म है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक होगी। इसके बाद हम देखते हैं, गाड़ी छूट रही थी, यह क्रिया अकर्मक होगी या सकर्मक होगी? यहाँ भी कोई कर्म नहीं है, इसीलिए क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक होगी। एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, अब यह क्रिया इसमें सकर्मक है या अकर्मक है? एक सफ़ेद पोश सज्जन है जो पालथी मारे बैठे हैं, इसके बाद है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। पांचवा प्रश्न का, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यहाँ पर क्रिया सकर्मक होगी या अकर्मक होगी? दोनों प्रश्नों को देखिए, ये दोनों 10वीं कक्षा में एक पुस्तक चलती है क्षितिज, उसी में एक कहानी है और वहीं से इसको लिया गया, एक कहानी एक पाठ है और वहीं से इसे लिया गया। ऐसी कोई वाक्य होगा किसी गद्य के अंश का, और जहाँ से आपको ढूंढना होगा कि इसमें जो क्रिया है वह सकर्मक है या अकर्मक है। तो यहाँ पर जो क्रिया है वह क्या है, बैठना है ना, और इसमें क्या है, उत्साह नहीं दिखाया। तो अब इन दोनों में हमें पता करना है कि यह क्रियाएं सकर्मक है या अकर्मक है। ये दोनों ही क्रियाएं सकर्मक होंगी। अगला हम देखते हैं, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। खरीदे होंगे, क्या खरीदे होंगे, खीरे, यानी कि खीरा क्या हो गया, कर्म हो गया, तो क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, झाग निकाला जो है वो क्रिया है और खीरा जो है क्या है, वो कर्म है, तो यह क्रिया सकर्मक होगी। जेब से चाकू निकाला, निकाला जो है वह क्रिया है और इसमें कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म इसमें चाकू है, तो यह क्या हो गया, सकर्मक हो गया। अब हम देखते हैं, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, ये नौवां क्वेश्चन है।
और इसमें क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? क्रिया क्या है? थककर लेटना, यह क्या है? लेटना जो है वह क्रिया है, और थककर लेटना यह क्रियापद है और इसमें कर्म भी है, तो क्रिया क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। 10वां प्रश्न है, पान वाला नया पान खा रहा था। अब खा रहा था क्रियापद है, और क्या खा रहा था? पान खा रहा था, तो यह क्या हो गया? सकर्मक हो गया। अब इसे जब हम देखना चाहते हैं क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो इसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि हम क्या प्रश्न करते हैं, और उस क्या का अगर हमें उत्तर मिल जाता है तो क्रिया अधिकतर सकर्मक होती है। ये एक बहुत छोटा सा ट्रिक है, ये ऐसा नहीं है कि इसके आधार पे सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, लेकिन अधिकतर प्रश्न इसके आधार पर सही हो जाएंगे। अगर हम क्या लगाते हैं, क्या लगा के प्रश्न पूछते हैं, वाक्य में जवाब मिलता है, यानी कि जो क्रिया है वह सकर्मक है। अब हम देखते हैं, मेघ बरस रहा था। मेघ बरस रहा था, क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है? यहां भी क्रिया क्या होगी? सकर्मक ही होगी। मेघ बरस रहा था, यहां भी क्रिया सकर्मक होगी। देखते हैं, वह विद्यालय में पढ़ता लिखता है। पढ़ना लिखना क्रिया है, यह सकर्मक है या अकर्मक है? यह क्रिया भी सकर्मक होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी कर्म है। तो यहां तक हम लोग जान चुके हैं, और इसके अंदर से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है वह तो सकर्मक और अकर्मक वाला है, क्योंकि उससे ज्यादातर प्रश्न आते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, इसकी पहचान करें। इसके अलावा जो साधारण प्रश्न है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो सकते हैं, धातु कितने प्रकार के होते हैं, धातु की परिभाषा दी हुई है और कहीं पे ब्लैंक स्पेस है कि इसे क्या कहते हैं, इस तरह के कई प्रश्न इसमें बनाए जा सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे कि क्रिया के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, हमारे पास समय है, हम इसे भी आज कवर कर सकेंगे कि क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला जो है वह है क्रिया के प्रकार में पूर्वकालिक क्रिया। इसमें जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि यह पूर्वकालिक क्रिया है या नहीं है, इसे हमें उतना याद भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ एक बार पढ़ जरूर लेना है कि अगर कहीं इसी कॉन्सेप्ट के भीतर की ये चीज़ें हैं, तो एक बार जान लेने से वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं, और कहीं अगर प्रश्न आ भी जाए तो हम उसका आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दे या इससे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाए। यहाँ पर क्या है कि जब कोई कर्ता एक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसका हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे चोर उठ भागा। जैसे हम लिखते हैं चोर उठ भागा। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, एक क्या है, एक है इसमें उठना और दूसरा है भागना। अब एक साथ कर्ता ने दो क्रियाएं की, तो यह क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगी, ये ध्यान में रहेगा। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर मान लीजिए कि क्रिया साथ साथ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उठना और भागना, इस दोनों क्रिया में थोड़ा सा तो अंतर है ना, कि कोई उठेगा पहले फिर भागेगा। लेकिन अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह बैठकर पढ़ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि उसने पहले, मतलब वो पहले बैठा और फिर उसने वो पढ़ रहा है, और वो बैठा नहीं है, यानी कि दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, वो बैठा भी है और पढ़ भी रहा है। तो ऐसे में वो जो शब्द होता है, मान लीजिए बैठकर है, तो वह क्या होगा? वह क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, ना कि वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा, इसे हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है संयुक्त क्रिया। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि संयुक्त है, यानी कि कहीं भी क्या होगा? संयुक्त क्रिया है, नाम से ही लग रहा है कि यह क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा, मिला हुआ होगा, संयुक्त क्रिया।
जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के साथ जुड़कर बनती है और एक नया अर्थ देती है, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसका हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे उसने खा लिया है, उसने खा लिया है। अब हम इसके मूल क्रिया को जान सकते हैं, मूल धातु को जान सकते हैं, क्या क्या है, तो खा और लेना, ये खाना और लेना, ये दो क्रियाएं हैं। अब इन दोनों क्रियाओं से मिलकर यह बना है, तो यह क्या हो गया, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो गया। इसी तरह हम देखते हैं संयुक्त क्रिया में कि इसके अंतर्गत, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत इसके कई सारे उपभेद हैं, जैसे निश्चय बोधक, यानी कि जिससे निश्चित तौर पर यह बोध हो कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है और उसके आगे हम लगाते हैं उठना बैठना आना जाना लेना देना, इस तरह की क्रियाएं लगाते हैं, तो वह निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया का निर्माण करती है। जैसे वह एकाएक बोल उठा, वह एकाएक बोल उठा। इसी तरह वह देखते ही देखते उसे मार बैठा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह हम देखते हैं शक्ति बोधक, धातु के आगे सकना लगाकर शक्ति बोधक जो संयुक्त क्रियाएं हैं वो बनती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, दादाजी अब चल फिर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सकना, चल फिर सकते हैं, वो सकना से सकते बना। तो यहाँ पे ये जो सकना लगा, यानी कि यह उस शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के रूप में आता है। जैसे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि वह रोगी अब उठ सकता है, उठ सकता है, सकना लगाने के बाद क्या हुआ कि वह शक्ति बोधक क्रिया के रूप में आता है। इसी तरह हम देखेंगे समाप्ति बोधक, जब किसी धातु के आगे चुकना शब्द लगता है, चुकना यानी, चुकना यानी कि खत्म होना, समाप्त होना, चुकना लग जाता है, तो वह क्या हो गया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण बनता है। जैसे मैं अपने आप से कह चुका हूँ, आप भी यह दृश्य देख चुके हैं। तो इसमें क्या हो गया, यह किस प्रकार का हुआ, इसे हम कहते हैं समाप्ति बोधक। इसी तरह हम देखेंगे चिन्ह बोधक, नित्यता बोधक, चिन्ह बोधक इसमें नहीं आएगा, नित्यता बोधक। तो सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे अगर करना जोड़ देते हैं तो वह नित्यता बोधक बनती है। जैसे तुम रोज यहाँ आया करो, इसी तरह तुम रोज चैनल देखा करना। तो क्रिया के आगे हमने क्या जोड़ा है, करना, और उसके बाद यह क्या बन गया, नित्यता बोधक, यानी कि जिसे हमेशा किया जाए। इसके बाद है तत्काल बोधक, तो सकर्मक क्रियाओं के सामान्य भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप के अंतिम स्वर आ को ए करके आगे डालना या देना लगाने से तत्काल बोधक क्रियाएं बनती हैं। तत्काल बोधक, जैसे नाम से ही पता है, तत्काल यानी कि तुरंत, जिसे तुरंत होने का बोध हो, जैसे कहे डालना, कहे देना, दिए डालना, है ना। तो ये सारे क्या हो गए, तत्काल बोधक हो गए। इच्छा बोधक, सामान्य भूतकालिक क्रियाओं के आगे चाहना लगाने से इच्छा बोधक क्रियाएं बनती हैं। इच्छा बोधक जैसे हम कह सकते हैं लिखा चाहना, कहा चाहना, है ना। चाहना लगाने के बाद वह क्रिया क्या हो जाएगी, इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगी। ये सारे संयुक्त क्रिया के अंतर्गत ही हम जान रहे हैं। इसके बाद है आरंभ बोधक, तो क्रिया के साधारण रूप ना को ने कर देने से वह बन जाता है आरंभ बोधक। जैसे वह अब पढ़ने लगा है, ठीक है, पढ़ने ए मतलब पढ़ना क्रिया है, उसमें आ जो है उसको ए कर दिया गया, पढ़ने लगा है, ए करने के बाद क्या हो गया, वह आरंभ बोधक वाक्य बन गया। इसी तरह अवकाश बोधक, जैसे मान लीजिए एक शब्द है, देखो वह जाने ना पाए, है ना, तो यह क्या है, अवकाश बोधक क्रिया हो जाती है। आखिर तुमने उसे बोलने दिया, यहाँ भी यह क्या है, अवकाश बोधक क्रिया है। यह कैसे बना, तो क्रिया के सामान्य रूप जो ना होता है, जैसे बोलना कहना, है ना, उसको ना को ने कर देना है, बोलने दिया ना को ने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की जो इस तरह से जो क्रियाएं बनेंगी वो अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। अब हम देखेंगे परतंत्रता बोधक, है ना, परतंत्रता बोधक, क्रिया के सामान्य रूप के आगे परना लगाने से परतंत्रता बोधक क्रिया बनती है। जैसे मुझे खाना पड़ा, मतलब मैं चाहता नहीं था लेकिन
किसी ने कहा तो मुझे खाना पड़ा, तो यह क्या हो गया, एक परतंत्रता बोधक वाक्य बन गया। इसी तरह हम एक देखते हैं एकार्थ बोधक, कुछ क्रियाएं एकार्थ बोधक जाती होती हैं, जैसे अब वह खूब बोलता चालता है। ये जो योजक, जिसको हम कहते हैं ना योजक शब्द, एक शब्द के साथ दूसरा शब्द उसके साथ ही बोल दिया जाता है, जैसे वह अब बोलता चालता है, चालता का कोई मतलब नहीं है लेकिन बोलने के संदर्भ में ही उसका भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो ऐसे जो शब्द एक साथ लगते हैं उन्हें हम एकार्थ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संयुक्त क्रियाएं केवल सकर्मक धातुओं के मिलने से अथवा केवल अकर्मक धातुओं के मिलने से बनती है या दोनों के मिलने से बनती है, जैसे मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं उठ बैठा, वह उन्हें दे आया था। संयुक्त क्रिया के आद्य खंड को, यानी कि संयुक्त क्रिया के पहले खंड को, और जैसे संयुक्त क्रिया है तो वह तो दो खंडों में होगी क्योंकि वह संयुक्त हुआ है, तो जो पहला खंड है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मुख्य क्रिया या प्रधान क्रिया, और अंत खंड को हम कहेंगे सहायक क्रिया। और इससे प्रश्न बनता है, जब हमने संयुक्त क्रिया के इतने सारे भेदों के बारे में जाना, इतने सारे उदाहरण हमने देखे, अब हम इसमें एक उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, प्रधान क्रिया कौन सी है। तो ये देखिए, इसमें यह हो गया प्रधान क्रिया और यह हो गई सहायक क्रिया। अगर वाक्य में क्रियाएं संयुक्त हैं तो जो आद्य खंड होगा, पहला खंड होगा, वह क्या होगा, प्रधान क्रिया होगी, जो दूसरा खंड होगा वह सहायक क्रिया होगी। प्रश्न इस तरह से आता है कि एक सेंटेंस, एक वाक्य दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि इसमें प्रधान क्रिया कौन सी है और इसमें सहायक क्रिया कौन सी है। अब हम बात करेंगे एक और कंसेप्ट की, और वो है नाम धातु। तो हम यहाँ एक पेपर ले लें, थोड़ा सा बैग जाना होगा इसमें हमें। और वापस से हम अपने नोट पर ही आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट था नाम धातु का, जिसके बारे में हमने बात की थी, थोड़ी सी बात की थी, अभी क्या है तो हम इसको और अच्छे से जान सकते हैं। तो नाम धातु यह क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे नाम धातु की, क्रिया क्या है और इसके बारे में हमें क्या जानना है नाम धातु के बारे में। तो क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों से, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण से जो धातु होते हैं इसे हम नाम धातु कहते हैं। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से जो धातु बनते हैं इनको हम नाम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे इसके साथ हमें क्या याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, इनसे जो क्रिया बनेगी वह क्या कहलाएगी, नाम धातु कहलाएगी। इससे प्रश्न क्या आता है कि साधारण एक वाक्य रहेगा और उसमें आपको कहा जाएगा कि इसमें से नाम धातु कौन सा है। जैसे हम कहते हैं कि वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे, वे दोनों बतियाते चले जा रहे थे। ठीक है, अब इसमें जो बतियाते यह शब्द है, इसमें ये जो बतियाते शब्द है, ठीक है, तो ये क्या है, ये नाम धातु है। क्यों, क्योंकि यह बात करना है ना, तो इससे बना है। इसी तरह मेहमान के लिए ज़रा चाय गर्मा देना,
अब यह भी क्या है, यह भी नाम धातु का उदाहरण है क्योंकि यह भी विशेषण से ही बना है। अब यहाँ पे जब हम नाम धातु बनाते हैं तो उसके कुछ साधारण से नियम होते हैं, जैसे किसी में आ लगाने से बनता है, किसी में आने लगा लगाने से बनता है, या कई में ला लगाने से भी नाम धातु बनता है। जैसे मेरी बहन मुझसे ही लजाती है, ठीक है, तो इसमें इसमें ती लगाने से, लाज से लजाना है ना, तो आ लगाने से फिर क्या हुआ, यह नाम धातु बना है। इसी तरह तुमने मेरी बात झुठला दी है, झूठ से झुठला, तो यहाँ भी आ लगाने से क्या है, वह नाम धातु बना है। इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय लगता है और प्रत्यय लगने के बाद वह नाम धातु बनता है, जैसे शून्य प्रत्यय लगना, जैसे रंग रंग से रंगना, गांठ से गांठना। इसी तरह कुछ अनियमित होते हैं, जैसे कि जैसे चिथड़ा चिथेरना, इसके बाद दाल दलना। ध्वनि विशेष के अनुकरण से भी नाम धातु बनते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी कविताएं होती हैं या कुछ ऐसे गद्य भी होते हैं जिसमें ध्वनियों को लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे भन भन, तो भन भनाना, इसी तरह छन 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 छनाना, तो ये सारे शब्द भी क्या होते हैं, नाम धातु में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और इसमें कॉन्सेप्ट है जिसमें हम अर्थ या वृत्ति के आधार पर इसके प्रकार का निर्धारण करते हैं, क्रिया के प्रकार का, अर्थ या वृत्ति के आधार पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे अर्थ या वृत्ति के आधार पर, अर्थ या वृत्ति के आधार पर, ठीक है, वृत्ति के आधार, क्रिया के भेद। एक तो उसमें क्या हो जाएगा, दो भेद होते हैं इसके, एक होता है साधारण क्रिया, तीन भेद होते हैं, एक होता है साधारण क्रिया, दूसरा है संभाव्य क्रिया, और तीसरा है विधिवाचक या आज्ञार्थक क्रिया। ये तीन भेद इसके हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये अर्थ या वृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद हैं, कौन कौन से हैं, साधारण क्रिया, संभाव्य क्रिया और आज्ञार्थक क्रिया, और आज्ञार्थक क्रिया को हम विधिवाचक क्रिया भी कहते हैं। अब इसमें साधारण क्रिया क्या है कि वह क्रिया जो सामान्य अवस्था की हो, वह क्रिया जो सामान्य अवस्था की हो और जिसमें संभावना अथवा आज्ञा का भाव नहीं हो, वह कहलाएगा साधारण क्रिया। जैसे मैंने देखा था, उसने क्या कहा, इसमें ना तो कोई संभावना है और ना ही कोई इसमें आज्ञार्थक क्रिया है, तो यह हो गई साधारण क्रिया। दूसरा हम देखते हैं संभाव्य क्रिया। संभाव्य यानी कि पता है संभावना हो, और जहाँ संभावना होगी वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चय होगी, है ना। तो जिस क्रिया में संभावना अर्थात अनिश्चय, इच्छा अथवा संशय पाया जाता है, वो सारी क्रियाएं संभाव्य क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण में लें तो, यदि हम गाते थे तो आप क्यों नहीं रुक गए, या फिर यदि धन रहे तो सभी लोग पढ़ लिख जाएं, दोनों में क्या है, संभावना है, यानी कि यह क्रिया क्या हो जाएगी, संभाव्य क्रिया के अंतर्गत आएगी। इसके बाद जैसे एक हम जब काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हेतु हेतु मद्भूत होता है, यानी कि काम का होते होते रुक जाना, या फिर संभाव्य भविष्य होता है, संदिग्ध क्रियाएं होती हैं, ये जितने प्रकार हैं काल में वो सब इसके अंतर्गत ही आती है, संभाव्य के अंतर्गत ही आती हैं। और तीसरा है आज्ञार्थक या विधिवाचक, तो जैसे नाम से ही स्पष्ट है इसमें या तो आज्ञा होगा या उपदेश होगा या नियम बताया जाएगा, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे तुम यहाँ से निकलो, आज्ञा दी जा रही है, तो वह आज्ञार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। गरीबों की मदद करो, यह भी प्रार्थना सूचक क्रियाओं के अंतर्गत आ रहा है। कृपा करके मेरे पत्र का उत्तर अवश्य दीजिए, यह प्रार्थना सूचक है।
तो आज्ञार्थक, प्रार्थना सूचक, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे आज्ञार्थक क्रिया के अंतर्गत। इस तरह हमने देखा कि क्रिया के अंतर्गत क्रिया क्या होती है, धातु क्या होता है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने जाना कि दो भेद होते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि अर्थ एवं प्रकार के आधार पर कितने भेद होते हैं। इसके अलावा क्रिया, जितनी क्रियाओं को हम जान रहे हैं, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा, उसके अलावा कुछ अन्य क्रियाएं भी होती हैं जिनके बारे में हमने जाना, जिसमें प्रमुख कौन कौन सा है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये दोनों उसमें प्रमुख हैं, गत्यात्मक क्रियाएं, ठीक है, तो ये क्रियाएं इसमें प्रमुख हैं। इसके अलावा हमने संयुक्त क्रिया के बहुत से भेदों के बारे में जाना, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि मुख्य क्रिया और प्रधान क्रिया और मुख्य क्रिया और जो दूसरी क्रिया सहायक क्रिया, इन दोनों को अलग करना, ये उसमें प्रधान था। और उसके बाद फिर हमने अंत में नाम धातु के बारे में जाना, और नाम धातु को याद रखना बहुत आसान है कि क्रिया से नहीं बनती बल्कि वह किससे बनती है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है। इतना अगर हम याद रखें तो हम नाम धातु के बारे में आराम से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि अर्थ या वृत्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ हमने जाना कि तीन भेद होते हैं। तो अब इसमें प्रश्न किस तरह के आएंगे, तो बहुत सामान्य है। सबसे पहले तो एक तो जितनी परिभाषाएं होती हैं और जिसके जितने भेद होते हैं, इसके आधार पे एक सामान्य प्रश्न तो बन ही जाता है, एक ये हो गया। दूसरा है, इसमें जो मुख्य है वो बता दूं, एक सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना, ये बहुत, मतलब अगर अगर आप देखेंगे कि किसी कंपटीशन के पेपर में क्रिया के पांच प्रश्न आए हैं तो तीन प्रश्न निश्चित रूप से सकर्मक और अकर्मक के आधार पर ही रहते हैं। उसके बाद जो बाकी का दो बचता है उसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को अंडरलाइन करने के लिए होता है। बाकी जो हमने प्रेरणार्थक क्रिया, गत्यात्मक क्रिया, इन सब के बारे में पढ़ा, तो वो हमें सकर्मक और अकर्मक की पहचान कराने में ही मदद करेंगी। लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया के लिए अलग से भी प्रश्न आता है, और अगर मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न है जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया दी हुई है और आपके विकल्पों में सकर्मक क्रिया है तो आप उसको भी टिक करेंगे, वो सही होगा। लेकिन अगर प्रेरणार्थक क्रिया दी हुई है तो आपको उसी को टिक करना है, वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से इसके अंतर्गत जितने प्रश्न बनते हैं वो हैं। इन प्रश्नों का अभ्यास आप किसी भी, जो पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके जो पुराने प्रश्न पत्र होंगे उसमें क्रिया से संबंधित जितने प्रश्न हैं तो उनको हल करके आप इसकी तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों के जवाब बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास, इस एक क्लास में आपने क्रिया के बारे में सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अब अभ्यास आपको करना है। धन्यवाद। ऑफ हो गया।